सबानंतपुरवासी आत्मा बन गए। नवग्रह देवता है ना, उसको स्टेप्स बनाता है, स्टेप्स बनाता है। माता जी बोल रहे वो स्टेप का उनका पेट पर पैदल चलकर चला जाता है ना, बुजुर्ग पेट के ऊपर चार चलता है, बुजुर्ग की पेट के ऊपर चांद चढ़ता चला जाता है, पीठ पर, पीठ पर भी। मोहम्मद गोरी ने तो हिस्ट्री में ऐसा दिखाया गया कि जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, तो शंकर जी का चित्र उठा करके अपनी दरवाजे की सीढ़ियों पर उल्टा डाल दिए, तो जो मुख्य देवता को ही उल्टा डाल दिया तो दूसरों को छोड़ देगा। जो अष्ट देवों में है मुख्य देवता है उसको ही उल्टा डाल दिया तो दूसरों को छोड़ देगा क्या, सीढ़ियां बनाता है, चढ़ता चला जाता है। बाबा सिद्धि बाबा कौन है बाबा है, सिद्धि बाबा भक्ति मार्ग में जो भी अभी हुए हैं कलयुग अंत में वो कलयुगी आत्माएं हैं या उनके युग की आत्माएं है, कौन सी आत्माएं उनको बोले नहीं ना उसका सिद्धि है संगम युग में शेरजी बाबा है तो गए संगम युगी तो वो हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं, और शेरजी बाबा तो मंदिर बने हुए हैं पूजा हो रही है। शेरजी के बाबा हैं उनको ये कहेंगे कि वो शिव बाबा हैं, वो तो कलयुग में आते हैं, न सतयुग में न त्रेता में न द्वापर में न कलयुग में, और ऊंचे से ऊंचा तो है संगम युग जहाँ कलयुग को बदल करके क्या बनाया जाता है, सतयुग बनाया है। और उन्हें तो पता भी नहीं है कि सतयुग आने वाला है, वो तो पहले ही चले गए। तो आपकी बुद्धि में नहीं आया ये बात आई कि नहीं, बैठी कि नहीं कि शेरजी वाले बाबा कौन थे, मनुष्य गुरु थे या भगवान थे, मनुष्य गुरु अपना भी कल्याण नहीं कर सकते और दूसरों का भी कल्याण नहीं कर सकते, आडंबर बन जाएगा ढेर सारा, फॉलोअर ढेर सारी बन सकते हैं लेकिन कल्याण किसी का नहीं हो सकता। सागर में सेतु बांधकर लंका में गए हुए राम और राम की सेना का इस बेहद में क्या कहते हैं, नल और नील दो बंदर थे उनको निमित्त बनाया, क्या निमित्त बनाया कि तुम अपने हाथ से जो पत्थर समंदर में डालोगे विषय वैतरणी नदी में कहो या विषय सागर में कहो, जिन पत्थरों को भी डालोगे पत्थर बुद्धियों को तुम्हारे हाथ से छूने मात्र से वो क्या हो जाएंगे, बहुत हल्के फुल्के हो जाएंगे, वो आत्माएं भारी नहीं रहेंगी, उनकी मन बुद्धियों की आत्मा ज्ञान के फोर्स से बहुत हल्की हो जाएगी। वो नल और नील कौन है, राम और कृष्ण की आत्मा ही नल नील है, अब भगवान है शिव बाबा। भक्ति मार्ग में तो उन्होंने राम कृष्ण को भगवान समझ लिया है, लेकिन हम तो जानते हैं ना राम भगवान है ना कृष्ण की आत्मा भगवान, भगवान कौन है, शिव बाबा। तो उनके बुद्ध रूपी हाथों से उनको निमित्त बनाया ना, उनके बुद्ध रूपी हाथों को उनके शरीर को निमित्त बनाया,
उनके द्वारा जो भी पत्थर बुद्धि मनुष्य आत्माएं हैं उनके हाथ में आ गई, माना उनकी परवरिश में आ गई, तो वो सागर को पार कर लेंगे। कौन से सागर को? विषय सागर जो है, विषय विकारों का जो सागर है उसको पार कर लेंगे। चलाने वाला पास में 14,000 रानियां हम अपने शरीर को दहन कर दी, इसका कोई कन्या के रूप में है, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? पवित्रता के लिए, पवित्रता की रक्षा के लिए, कि असुर हमारे तन को न छू सके। जो मुसलमान है, पद्मिनी की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो मुसलमान हमारे तन को स्पर्श भी न कर सके, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, जब देखा कि हार होने वाली है तो हारने से पहले ही उन्होंने एक कुंड बनाया और उसमें सबको जम लिया। लो वो बड़े उछलते कूदते आए, क्या रानी पद्मिनी और उसकी जो भी सहेलियां रानियां हैं वो उनके सिर के ऊपर अब हम खूब अत्याचार करेंगे, खूब भोग भोगेंगे। रह गए देश विदेश के, अब्राहम के दो पत्नियां कह गए इनको, एक मुसलमान बना और दूसरा क्रिश्चियन। इस्लाम धर्म से ही दूसरे दूसरे धर्म निकले हैं बाद में। वो तो क्रिश्चियन कह रहे हैं, वो इब्राहिम को मानते हैं, ऐसे नहीं नहीं मानते हैं, इसलिए मानते हैं। लेकिन फिर भी वो एक स्त्री को 7 बार भी शादी करने के लिए बोलते तो फिर भी वो अपने आप को पवित्र ही थोड़ा सीमा में तो बांधा। यहाँ तो स्त्रियाँ ऐसी हो गई हैं भारतवर्ष में कि 7 शादी की क्या जाने कितनी शादियाँ कर लेती है। 5 स्टार होटल खोले हुए हैं, वहाँ जाकर पैसे कमाती है, उसको रोज शादियाँ नहीं नहीं करती रहती। वो नहीं पता आपको तो ज्यादा व्यभिचार कहाँ फैला हुआ भारतवर्ष? हाँ, मुसलमान देशों में इतना व्यभिचार नहीं, वहाँ बहुत कड़क है कानून। बाबा भैया पूछ रहा है 27775 का मुरली का पॉइंट है। 27775 क्या होता है? मुरली का पॉइंट नंबर लिख रहे हैं, डेट डेट वो डेट है मुरली का डेट। 7775 भैया पूछ रहा है बच्चों कभी भी तंड्रे शरणों में नहीं आता, तंड्रे बाबा के शरणों पर नहीं आता, शरण चरणों में नहीं झुकते, झुकते नहीं, शरण नहीं करता। बाप जो है वो बच्चे, जो बच्चे होते हैं वो बच्चे जो होते हैं वो कभी भी बाप की शरण में नहीं आते, बाप खुद आकर तुम बच्चों को अपना बनाते हैं। प्रश्न और क्लियर करो जो तेलुगु जानते हैं। बच्चों कभी भी यजमानी होता है, बात समझे ही नहीं। बोलो 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 जल्दी, अगवा करके बताओ बाबा। अरे नहीं, इनकी बात रह गई अभी पूरी। बच्चे कभी भी बाप के शरण में नहीं आते हैं। हाँ, जो शरण में आते हैं वो बाप के बच्चे नहीं होते। शरण में आना माना बाबू में आना, नहीं शरण में आना माना सरेंडर होना। इस दुनिया में किसका राज्य है?
रावण का राज्य कि राम का राज्य है? रावण का राज्य है सारी दुनिया में कि राम का राज्य? रावण का राज्य है। 70 साल हो गए राम को आए हुए, अभी भी रावण का राज्य है या राम का राज्य है? अभी भी रावण का राज्य। अगर कहें कि राम का राज्य थोड़ा बहुत तो होगा, अपनी घरवाली के ऊपर तो राज्य होगा। अरे कोई होता है तो पहले अपने परिवार में अपने घर के अंदर राज्य करता है कि पहले दुनिया के ऊपर राज्य करता है? है पहले तो घर के भांति कंट्रोल हो। तो राम वाली आत्मा या राम भगवान अपने परिवार को कंट्रोल कर रहा है कर रहा है? नहीं कंट्रोल, खुला छोड़ा हुआ है। नहीं तो राजा तो दंड दे देता है। क्या करता है? हिस्ट्री में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कि जिन राजाओं के सामने लोग जाने में थर थर कांपते थे, कोई नाफरमानी ना हो जाए, कोई अवज्ञा ना हो जाए, रानियां थर थर कांपती थी, नहीं बेवफाई ना हो जाए साबित, सामने जाने में डर लगता था। और यहाँ राजाओं का राजा बनाने वाला बाप आया हुआ है और उसकी रोज नाफरमानी अवज्ञा करते ही रहते, तो अभी राम का राज्य है या रावण का राज्य है? जो राम का परिवार है जन्म जन्मांतर का, उसके ऊपर भी किसका राज्य है? अभी भी रावण का राज्य। तो सारी दुनिया रावण संप्रदाय है या राम संप्रदाय है? यथा राजा तथा प्रजा, कौन से संप्रदाय के हुए? सभी तो रावण संप्रदाय है। बाप का कोई बच्चा है ही नहीं, अभी कोई बच्चा है? कोई छाती ठोक के कहेगा कि हम 100% श्रीमत पे चलते हैं? कहेगा हम पक्के पक्के राम संप्रदाय हैं, हम कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते, कहेगा कोई? राम के बच्चे हैं ही नहीं, अभी सब रावण के बच्चे। तो जो रावण संप्रदाय हैं वो अगर सरेंडर होते हैं तो क्या बुरा है? जो बच्चे होते हैं उनको सरेंडर होने की दरकार है ही नहीं, बच्चों को तो बाप खुद आकर के अपना बनाते हैं, तुम मेरे बच्चे हो। सारी दुनिया भी रावण संप्रदाय है। बात इनको समझा, ये तो नहीं समझे समझे? आपने कह दिया इसलिए भाई पूछते हैं शास्त्र की बात है, है? ये भाई पूछते हैं शास्त्र की बात है, नहीं की बात है शास्त्र की बात, शास्त्रों की बात, शास्त्रों की बात है। अनंतपुर जिले में लेपाक्ष नाम से एक पुण्य क्षेत्र है, वहाँ पर पत्थर का एक सुंदर नंदी है, देखने के लिए बहुत सुंदर होता है। वह नंदी उठकर दौड़ जाएगा, उस समय कई लोग उस दौड़ को देखकर कई लोग मर जाएंगे, वह किसका यादगार है? गौर किसको कहा जाता है? हाँ हाँ, बैठा हुआ है। अभी बैठा हुआ है, बैठा हुआ है माने पुरुषार्थ में बैठा हुआ है, और वो उठ करके दौड़ जाएगा क्या? तो दौड़ लगाना ज्यादा तीव्र पुरुषार्थ हुआ? जब वो उठ करके दौड़ लगाएगा, अभी दौड़ने की स्टेज में नहीं है, किस स्टेज में? अभी बैठा हुआ है, जैसे त्रिमूर्ति में विष्णु को खड़ा हुआ दिखाया और शंकर को और ब्रह्मा को बैठा हुआ दिखाया, लेकिन जब लास्ट स्टेज आती है
ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, उसी बाप की छोड़ो, लेकिन शंकर के लिए दिखाते हैं कि हाई जंप लगाते हैं और बैल पर कलाई कर लेते हैं। बैल कौन है? ब्रह्मा की टोल अभी शंकर के ऊपर सवार हो रही, अभी बैल किसके ऊपर सवार है? शंकर के ऊपर सवार है, क्योंकि वो बैठा हुआ है। जब वो दौड़ेगा तो ब्रह्मा सो क्या बन जाएगा? ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। वो तो दौड़ के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार हो जाएगा, ढेर सारे मरेंगे कि जिंदा रह जाएंगे? है मरेंगे या जिंदा रहेंगे? ढेर सारे मरेंगे। हाँ, ये यादगार अनंतपुर में क्यों दिखाई दे? ये कहानी अनंतपुर में क्यों दिखाई बनाई? इस बात में जानन की में भी एक मंदिर ऐसा है जो कई जगह पत्थर का मंदिर, छोटे से बड़ा होता जा रहा है, छोटा देखने में आता है। क्या पहले छोटा आदमी देखने में आता है, जैसे हनुमान है ना, हनुमान ने भीम के सामने क्या करता दिखाया? पहले छोटा बन के पड़ गए है, फिर बड़ा रूप दिखाया। दुनिया पहले छोटा समझती है, फिर जब भगवान विराट रूप धारण करता है तो क्या हो जाता है? सब लोग समझते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ा। इस आत्मा का लंबे समय से संत हो, वो आत्मा किस, वो आत्मा की क्या निशानी होती है? खुश हो ना, जो आत्मा वो चेहरे पर खुशी दिखाई पड़ेगी लंबे समय का पुरुषार्थ होगा। अच्छा पुरुषार्थी तो लंबे समय का हो, लेकिन अच्छा पुरुषार्थ हो। अगर खराब पुरुषार्थ भी बीच बीच में नुदा हुआ है तो कभी खुशी और कभी दुख की झलक भी दिखाई पड़ेगी। कृष्ण का जन्म 2018 में हो रहा था, डेट आगे पीछे भी हो रहा था? हो सकती, फिक्स डेट तो यहाँ कभी बताई नहीं जाती, ज्ञान में कभी फिक्स डेट बताई जाती है क्या? 76 बताया कि सन 76 में पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी, तो क्या फिक्स डेट बताई? नहीं बताई। ऐसे ही तीन मूर्तियों की प्रत्यक्षता, तीन सीट फिक्स होने का पहले से बता दिया, तो डेट तो नहीं बताई। ऐसे ही अष्टदेव प्रत्यक्ष तो होंगे, लेकिन डेट तो उनकी नहीं बताई। ऐसे ही जब कृष्ण की प्रत्यक्षता होगी तो उसकी डेट नहीं बताई अभी, लेकिन जब डेट प्रत्यक्ष होगी तो दुनिया में माना जाने लगेगा। संबत 111 नए संबत की शुरुआत हो जाएगी। ये वराह अवतार का क्या अस्तु होता है, जो भूमि को अपने दांतों पे वराह उठाने? वराह किसे कहते हैं? वराह सूअर को कहते हैं, भगवान सूअर का अवतार लेता है। सूअर की चमड़ी मोटी होती है या पतली होती है? सूअर की चमड़ी मोटी होती है। और सूअर का बाल मोटा होता है कि पतला होता है? महीन होता है। सूअर का बाल भी मोटा होता है। और मुसलमान लोग सूअर की ज्यादा मान्यता देते हैं कि हिंदू लोग सूअर को ज्यादा मानते हैं? मुसलमान लोग मारेंगे गाय को, अगर हिंदू मुसलमान लड़ाई होगी तो क्या करेंगे? मुसलमान लोग गाय को मारेंगे, और गाय को मारने में समझते हैं गाय का मांस खाया बहुत अच्छा है। और अगर ये देख लें कि हिंदू ने सूअर को मारा तो बहुत गुस्से में आ जाएंगे। कारण क्या है?
बारह अवतार जो दिखाया जाता है सूर का अवतार, ये वास्तव में इब्राहिम वाली आत्मा है। वो तो गाय को कहता है, ये हिंदू लोग तो सूर को कहता है कुछ लोग। हाँ, तो ये लड़ाई है ना दोनों का, वो जिसको मानते हैं वो उसको नहीं मानते, तो एक दूसरे की लड़ाई हो गई ना। तो सूर का अवतार कहते हैं कि सूर का अवतार ने क्या किया, धरणी को, धरणी जो गड्ढे में धस गई थी उस धरणी को अपनी छूछड़ी से उखाड़ करके ऊपर ले आया, धरणी पाताल लोक में चली गई, धरणी में पाप इतने बढ़े कि धरणी गड्ढे में गई। और सूर अवतार ने क्या किया, जो धरणी गड्ढे में चली गई थी उस धरणी को ऊपर किया। गिराने वाले भी वही और उठाने वाले भी वही, जिसे पृथ्वी कहा जाता है, पृथ्वी माना पृथ्व्या जो बढ़ती जाती है, जिनको माता कहा जाता है ना। तो त्रेता युग से पहले, त्रेता युग द्वापर युग से पहले ये पृथ्वी लंबी चौड़ी नहीं थी, कितनी थी, छोटा सा था। फिर त्रेता जब पूरा होता है तो दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, उन धर्म के फॉलोअर्स आते हैं और नए नए धर्म खंड फैलते चले जाते हैं और पृथ्वी चौड़ी होती जाती है। आज की दुनिया में भी माताओं का क्या होता है, माताएं जब तक कन्या है तब तक छोटी सी दिखाई पड़ती है क्या, और उनका कन्या तो जब कुमारी तो खत्म होता है, जितने जितने बच्चे पैदा करती जाती है उतने उतने लंबी चौड़ी होती जाती है। पृथ्वी आती है, पृथ्वी माता कही है, तो ऐसे ये पृथ्वी माता है, जगदम्बा है। जब से ये असुर आए तब से इसने, इन असुरों ने दूसरे धर्म के धर्म पिता है और उनके जो फॉलोअर्स आए उन्होंने विचार फैला करके इसे पृथ्वी माता की दुर्गति करना, कुरूप बनाना शुरू कर दिया। पहले स्वर्ग में सत्युग त्रेता में ये पृथ्वी बहुत सुंदर थी, कुमारी स्वरूप रूप था पृथ्वी में, इन्होंने आकर के विचार फैलाया। अब विचार फैलते फैलते दुनिया में देखो कैसे गुरु पेट बड़े बड़े हैं, आंखें अंदर तो बुद्धि हुई है, कैसे कैसे कुरूप चेहरे बनते हैं, कैसे कैसे कुरूप शरीर बन जाते हैं। तो सूअर बताया गया, जितने जिस धर्म पिता के आने से दुनिया गड्ढे में जाती, गड्ढे में गई या ऊपर उठी, दुनिया गड्ढे में गई, उसी को फिर निमित्त बनना पड़ता है। क्या निमित्त बनना पड़ता है, और जो पृथ्वी को ऊपर ले आने की, इसलिए बाबा ने बोला पहले ये इस्लामी मरेंगे, क्या मरेंगे माना, ये पहले ज्ञान में जीते जी मरेंगे और धर्म वाले पहले नहीं निकलेंगे। अभी ज्यादा अत्याचार भी कौन से धर्म वालों के ऊपर हो रहा है, कौन कर रहा है अत्याचार, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार इसलिए हो रहा है कि अमेरिका जो है क्रिश्चियन धर्मखंड वो एक एक करके सब छोटे छोटे मुस्लिम देशों को भड़का जा रहा है, वो चाहे कुछ नहीं कर पा रहे, ज्यादा ज्यादा आतंकवादी बन जाते हैं, बस उससे क्या बिगड़ता है, उनके पास बड़े बड़े एटम बम रखे हुए उन आतंकवादियों के पास ज्यादा ज्यादा एक बंदूक की, उसे क्या बिगाड़ लेंगे, थोड़ा सा आतंक फैला लेते हैं, जैसे चोर डकैत घर में घुस जाते हैं तो थोड़ा सा आतंक बढ़ जाते हैं बस। प्रिय जो इब्राहिम का बीज रूप है, आधार मूर्त है, ये कौन सा अवतार है,
बारह होगा सुअर, सुअर जो है कहाँ लौटता रहता है, कीचड़ में लौटता है, उनको कीचड़ में लौटने में बहुत आनंद आता है। कीचड़ देखेंगे कीचड़ में ही लौटेगा, मंदिर तोड़ना, मस्जिद बनाना, तो सब काम करने का विचार की बात है। कीचड़ में लूटना, देवी को दिखाते हैं भैंसा मर्दनी, किसका मर्दनी किया भैंसा, काला काला भैंसा होता है ना धर्मराज की सवारी, उसको मारा, अब उसे भैंसा कहो, भैंसा भी कीचड़ में लौटता है, भैंस बुद्धि है ना, वो भी कीचड़ में लौटता है, अब उसे सुअर कह दो वो भी कीचड़ में लौटता है। योगा से पहले इनका इस्लाम धर्म शुरू हुआ या अब्राहम पुराने से पुराना अभिधर्मी धर्म पिता है, 2500 साल पहले इब्राहिम से अभिधर्मी धर्मों की शुरुआत हुई, उससे पहले दुनिया में देवी देवता धर्म ही था, दूसरा कोई धर्म नहीं। अब्राहम तो दोनों के पिता थे ना, और मुसलमान हैं लोग भी इब्राहिम को मानते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं मानते, वो इब्राहिम लिंकन अभी का हुआ कलयुग में, वो अलग का राष्ट्रपति, वो अलग बात, वो 14 साल वो इब्राहिम के, वो अब्राहिम है, ये इब्राहिम अब्राहम वो तो अभी हुआ है, इब्राहिम से इस्लाम धर्म राशि एक ही है, इब्राहिम की और इस्लाम धर्म की, उनके दो पत्नी हैं, दो धर्म वाले बढ़ेंगे ना आगे चल के, बढ़ेंगे घटेंगे, विधर्मी है, आसुरी धर्म है, बाई ओर का लेफ्टिस्ट धर्म है, तो लेफ्टिस्ट को जन्म देगा या राइटिस्ट को जन्म देगा, खुद ही विचारी, और जिन धर्मों को जन्म देता है वो भी विचारी, बाबा ने एक मुरली में बोला है अंदर ही अंदर घर को देता है, खोखला कर देता है, खोखला कर देता है, और घर वालों को पता ही नहीं चलता कैसे इसका मतलब ये है, कैसे होता है, घर वालों को पता ही नहीं चलता, तो चूहा अंदर ही है, गणेश जैसी आत्माएं जो सवारी बनाती हैं, ऐसी लोगों के ऊपर सवारी की सवार होती है, जो अंदर ही अंदर खोखला कर देते उनको पता ही नहीं चलता, जैसे अभी बहुत से बीके सेंटर ऐसे हैं कि उनके अंदर लोग घुसे हुए हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे अंदर घुसे हुए हैं, एडवांस ज्ञान सुना रहे, जैसे देहरादून का सेंटर है, देहरादून का सेंटर और उसकी इंचार्ज में बहुत अच्छी मानी जाती थी बीके में, बाबा ने भी बढ़ाई थी मुरली में, एक भाई एडवांस पार्टी में घुस गया और उसने 6 महीने तक वहाँ अंदर घुस करके खूब बेच गना ली, बड़ी बड़ी ब्रह्म कुमारियों से सुनी, सब कहने बहुत अच्छा जिज्ञास, बहुत अच्छा जिज्ञास, पहचान ही नहीं पाएगी एडवांस पार्टी का, 6 महीने के बाद उसने सब घरों में घुस करके सबको ज्ञान सुना दिया है, देहरादून जितने भी पुराने थे सारे एडवांस में आ गए, तो अंदर ही अंदर घर खोखला कर दिया कि नहीं फिर क्या हुआ, चूहे को थोड़ी सी एक गोली डाल दो, किसकी
क्या करो, एक बोल इस क्या होता है हुआ बता। अभी वो भाई शादी कर आखिरी पढ़ाई पढ़ रहा है बैल का अनंतपुर में ही क्यों यादगार दिखाया, क्यों ये यादगार है? तो जहाँ जहाँ मंदिर है शिव के वहाँ वहाँ बैल का यादगार दिखाया जाता है, बोले कि अनंतपुर में ही दिखाया जाता है। अरे बोल बोल, वहाँ ढेर सारे पढ़े लिखे बैठे उनसे पढ़वा लो। मिले ना फूल तो काके भी दोस्ती कर ले, इसका मतलब क्या है? मिले ना फूल तो रावण जब इस दुनिया में आता है तो रावण की दुनिया होती है, असुरों की दुनिया होती है, सुखदाई कांटों की दुनिया होती है, या सुखदाई फूल देवताओं की दुनिया होती है? कांटों की दुनिया होती है, सारे के सारे ही सुखदाई। अच्छा दुनिया की बात छोड़ो, बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों में आता है, सारों से बेसिक नॉलेज उठाई हुई है। वो बेसिक नॉलेज वाले जो ब्राह्मण हैं वो रावण संप्रदाय के बन जाते हैं या कोई राम का रहता है? कोई ऐसा नहीं रहता जो राम का बना हुआ हो, कि सारे ही बेसिक ज्ञान लेने वाले बी के हैं वो सब रावण संप्रदाय के बने हुए होते हैं। जब राम के आखिरी 84वें जन्म में भगवान बाप बनकर के आता है तो कोई ब्रह्मा कुमार ऐसा होता है जो राम का बना हुआ हो पहले से? कोई नहीं होता। सब कौन से संप्रदाय में होते हैं? सब रावण संप्रदाय में। तो कांटे हुए या फूल हुए तो राम आकर के मनुष्य तन में ढूंढता है, चक्कर काटता है शहरों शहरों में, क्या सब काम तो जहाँ जहाँ से ही ढूंढता है कहीं उनको अपना आदमी कोई नहीं मिलता, सालों चक्कर काट के लेते दिल्ली से लेकर के ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया टूर बना बना करके चक्कर काटते रहते, क्या कहीं भी कोई फूल मिलता ही नहीं। उसी टाइम पे उन फिल्म वालों ने गीत बना दिया, दो दीवाने शहर में आबूदाना मांगते हैं। कौन है दो दीवाने? एक राम और एक आत्मा है, शहर शहर में घूम रही है, कोई हमारा अपना बन जाए, कोई नहीं पूछता। आल इंडिया ढूंढ डाली कहीं कोई फूल नहीं मिला ही नहीं। अगर फिर कहीं से कोई फूल मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? मुरली में बोला है दिल्ली से आवाज निकलेगा, क्या कहाँ से आवाज निकलेगा? दिल्ली से। इतनी बड़ी दुनिया में एक दिल्ली शहर ही ऐसा है, ऐसा जिसका नाम क्या पड़ा? दिल्ली। उसके दिल के अंदर क्या भरा पड़ा है वो दिलवाड़ा ही जानता है, और कोई समझ भी नहीं सकता। वो दिल्ली की धरणी ऐसी धरणी है जिस पर देवताओं ने भी राज्य किया है, तो हर धर्म के धर्माधीशों ने भी राज्य किया है, सब धर्म वालों ने दिल्ली के ऊपर राज्य किया है, ऐसा उसका दिल है।
बड़ा दिल है या छोटा दिल? तो सबसे पहले सरेंडर कौन होगी भगवान के लिए? है? अरे बिन फेरे हम तेरे कौन बनेगी? दिलवाली बनेगी है? जिसको छोटा दिल होगा वो बनेगी, छोटा दिलवाली सोचेगी कोई बिन फेरे हम तेरे बनने वाला नहीं तैयार होता, और वो तैयार हो जाती है। तो उसको फूल कहेंगे या कांटा कहेंगे? फूल कहेंगे। सुख दिया या दुख दिया? सुख दिया। जो एडवांस पार्टी का किला है वो बनना कहाँ से शुरू होता है? जब दिल्ली निकलती है, तिरासी में तेरा होना चाहिए। तिरासी आता है और वो दिल्ली निकल पड़ती है। और जो ऑल इंडिया में चक्कर लगाता फिर कोई नहीं मिला, और फूल उसको मिल जाता है। एक निकलता है तो एक के पीछे फिर तो क्या होता है? ढेर सारे निकल पड़ते हैं। अगर वो एक न निकला होता तो वहां बेसिक नॉलेज 300-400 ही निकले। ब्रह्मा बाबा की जीवन काल में कितने सरेंडर हुई? 300-400, और यहाँ तो 600 के ऊपर हो गई एडवांस पार्टी। तो किसके पीछे पीछे, किसको देख करके निकले? अभी तो बोला एक निकला तो पीछे पीछे नाम लग जाती है। बाबा मुरली में बोले, जिस इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करेंगे वो इंद्रियां धर्मराज काट देगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो ज्ञान में कटेंगे या बेहद में कटेंगे, जो ज्ञान में आने के बाद जिन कर्म इंद्रियों से पाप कर्म करेंगे, ज्ञान में आ गए तो और कहने भी लगे तन मन धन तेरा किसका हो गया? निश्चय पत्र भी लिख के दे दिया। क्या लिख के दिया? ये तन, ये तन की कर्म इंद्रियां, ये मन और ये धन, जो भी है हमारे पास वो ईश्वर की सेवा में लगाएंगे। और ईश्वर की सेवा में लगाया नहीं और उसे विचार करना शुरू कर दिया। क्या कोई बाहर की दुनिया में विचार किया और कोई ने अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में ही विचार करना शुरू कर दिया? तो नाम बाला करेगा भगवान का या नाम बदनाम करने वाला बना? कायदे का काम किया या बेकायदे काम किया? बेटा कायदे काम किया, और वो भी ईश्वरीय दरबार में। तो सजा नहीं मिलेगा। वैसा काम करेगा वैसे उनको सजाए मिलना है। मुसलमानों में भी टिप्पु सुल्तान और अकबर भी हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हुए। अकबर तो बहुत चालाक था। अकबर जो था उसने राजपूत राजाओं की लड़कियों से शादी करना शुरू कर दी, तो धर्म भ्रष्ट बनाया या धर्म श्रेष्ठ बनाया? अपनी लड़कियों की शादी की नहीं। या जितने मुसलमान बादशाह हुए उन्होंने अपनी लड़कियों और बहनों की शादी कहीं की? उनको जिंदगी भर अपने घर में रखा, नहीं तो हरी नाथ नहीं की हो जाएगी। उनकी शादियां नहीं की। हम सम्राट सारे देश के, इतने बड़े सम्राट, हम किसको अपनी लड़की दें, किसको अपनी बहन दें? हमारी तो नाकी नीची हो जाएगी। तो चालाकी भी उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। सुल्तान तो सुल्तान सुल्तान टीपू सुल्तान भी बहुत क्रूर राजा था।
किसू टॉप है, बहुत ऊंची पहाड़ी है। कोई उल्टा पलटा काम करता था और पकड़ में आ गया तो ऊंची चोटी पे ले जाके और वहां से नीचे ढकेल देता, हड्डी हड्डी चूर चूर हो जाती। ऐसा करने से सुधर जाएगा क्या? नहीं। तो अगले जन्म में जाके और ज्यादा पाप करेगा उसको नहीं करेगा? पाप और ज्यादा पाप करेगा तो भूत प्रेत बन गया। प्राप्ति ज्यादा किसको होगी? तन मन धन अर्पण करने में जो लास्ट नंबर में चले गए और जो फर्स्ट नंबर में चले गए, अपने को स्वाहा करने में राख बनाने में कोई आगे चले गए और कोई पीछे रह गए, तो जो आगे से ही शुरुआत से ही नष्ट मोहा स्मृति लब्धा की स्टेज में रहे, जब से आते हैं एडवांस में और अंत तक
देह के संबंधों से परे रहते हैं औरों के मुकाबले। तो लास्ट में परीक्षा में जो परीक्षा मुख्य परीक्षा है कौन सी, नश्यो मोहा स्मृति लब्धा, कौन पास होंगे? जिन्होंने लंबे समय की प्रैक्टिस की होगी वो पास होंगे, या जिन्होंने बाद में प्रैक्टिस की वो पास होंगे? हैं, जिन्होंने लंबे समय से रिजल्ट दिया है वो आगे चले जाएंगे। नहीं, सुख बराबर क्यों भोगते हैं? 63 जन्मों में जो लगातार सूर्यवंशी बन करके रहेंगे, बाबा सूर्यवंशी आत्माएं जो हैं, वो लंबे समय का सुख भोगेंगी या थोड़े समय का सुख भोगेंगी? ज्यादा याद के आधार पर सुख होता है। जिसने जितना जास्ती याद किया उतना सुखी होगा, कम याद किया तो कम सुखी होगा। जास्ती याद किया तो लंबी उम्र वाला होगा, हेल्दी होगा, और जो हेल्दी है वो वेल्दी भी हो जाता है। तो सारी प्राप्ति तो याद में नुदी हुई है, और याद होती है जितना हम अर्पण में होंगे उतना ज्यादा याद आवेगी। अर्पण में कम है, गुड़ कम डाला है तो कम मीठा होगा, गुड़ ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा मीठा होगा। अपनी देह के लिए मरते रहते हैं, लड़ाई लड़ते रहते हैं, देह का सुख हमको नहीं मिल रहा है, पदार्थों का सुख हमको नहीं मिल रहा है, औरों को मिल रहा है, लड़ाई लड़ना शुरू। देह के संबंधियों का सुख हमको नहीं मिल रहा है, औरों को मिल रहा है, लड़ाई लड़ना शुरू। हमारी देह के संबंधी के लिए ऐसा क्यों किया गया? ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये सब बातें कहां से पैदा होती है? और याद में बुद्धि उतनी ही एकाग्र होगी जो नियम बताया हुआ है। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन की ताकत सुबह से लेकर शाम तक जो ईश्वरीय सेवा में लगा रहे हैं, 4-5 घंटे सोने के अलावा और सारा टाइम ईश्वरीय सेवा में लगे हुए, तो तन कहाँ लगाया? ईश्वरीय सेवा में लगाया। बाप किन को याद करता है? सबसे पहले बच्चों को याद करता है। हम आत्माएं याद करती हैं बाप को, लेकिन हमारी याद में उतनी पावर नहीं है। लेकिन हम आत्माएं हिम्मत करके ईश्वरीय सेवा करती हैं, कर सकती हैं, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि बाप हमको याद करता है। बाप सोचता है मेरे तो हाथ पांव है नहीं, बिना हाथ पांव के कर्मा बाई कौन बनेगा? मैं बनूंगा क्या? बच्चे ही कर्मा बाई बनेंगे, तो जो कर्मा बाई बनेंगे वो उतना पावेंगे। तो उन बच्चों को खुशी मिल जाती है, जिनको खुशी मिलती है उनको ज्यादा याद आती है। जिसने फैसला कर दिया कि तन तन नहीं, मेरा धन धन नहीं, और ये मन स्वार्थ के लिए नहीं है, स्वार्थ के लिए कोई भी संकल्प न चले, इस शरीर की आगे चल के परवरिश कैसे होगी, कौन देखेगा इसको? ज्ञान में चलने वाला बच्चा है, दमा की बीमारी हो जाए, टीवी की बीमारी हो जाए और छटपटाने लगे, हम तो घर जाएंगे, घर जाके इलाज करेंगे, हमारी अच्छी परवरिश नहीं हो रही, तो अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली या बाबा के ऊपर डाली?
अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली तो नवैया हिलेगी डुलेगी या पार जाएगी। हिलना डुलना शुरू कर दिया आराम का मतलब ये है कि राम हमारे पास ही आ जाए, क्या उसकी याद हमको सदैव अंदर बनी रहे, जितनी याद रहेगी उतना मन आराम में रहेगा। और हाँ जी, हाँ संगम युग में सती प्रथा की यादगार क्या है, जो सती होने वाली थी एक पति के पीछे उनमें पवित्रता की पावर ज्यादा रही होगी या कम रही होगी है? उनके अंदर एक बाप दूसरा न कोई, ये मादा ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। ज्ञान में एक है रुद्रमाला राजाओं की माला और एक है विजय माला रानियों की माला। जन्म जन्मांतर ज्यादा पवित्रता किसने धारण की है? रानियों ने ज्यादा पवित्रता धारण की। तो संगम युग में भी ज्यादा पवित्रता रुद्रमाला के लंगड़ों ने धारण की होगी, चाहे वो स्त्री तन हो चाहे पुरुष चोला हो है, तो रुद्रमाला के मन के जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, जन्म जन्मांतर अपवित्रता भोगी है। तो यहाँ सती प्रथा शूटिंग पीरियड में देखने में आवेगी, क्या जो महाभारी महाभारत गृह युद्ध है जिससे पसार हुए बगैर कोई भी राजा इनमें नहीं घुस सकता, ईश्वरीय राजाई का हिस्सा नहीं ले सकता, उसमें बहुत मरेंगे, क्या अनिश्चय बुद्धि होकर के मरेंगे। तो वहां रानियां देखती थी कि मरने वाले हैं तो अग्नि में कूद जाती थी। भक्ति मार्ग में स्थूल बात होती है, वहां थी स्थूल अग्नि और यहाँ है याद की अग्नि, क्या याद की अग्नि में अपनों को स्वाहा कर देते हैं और विजयी हो जाते हैं अगले जन्म में, फिर मिलते हैं उससे जाके। आत्मा अविनाशी है। तो गीत बनाई दिया है, क्या जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार हमने जन्म लिया, उन्होंने सौ सौ बार ले लिया, बेचारे जानते नहीं है कितने बार जन्म लिए, 84 बार हमने जन्म लिए। जो पार्वती जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी वो जन्म जन्मांतर की संगी साथी होंगी, लगन की अगन में अपने को स्वार्थ को स्वाहा कर देंगी। जैसे पार्वती के लिए गायन है, यज्ञ में उन्होंने अपने तन को क्या किया, स्वाहा कर दिया, तन को स्वाहा किया या देह अभिमान को स्वाहा किया, देह अभिमान को स्वाहा किया। तो एक पार्वती की बात है या बाबा कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो है? तुम सब पार्वतियां हो जिनमें ऐसी प्योरिटी की पावर है, जैसे सत्यवान सावित्री के लिए दिखाया जाता है। सावित्री ने क्या किया, सत्यवान को मौत के मुंह से बचा लिया। तो ये प्योरिटी की पावर काम करती है। ये शूटिंग अभी देखने में आएगी प्रैक्टिकल में। और क्या
आदि में क्या सेवा किया? आदि में हाँ, जो आदि में होगी तो अंत में भी होगी। ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में, तो जरूर आदि में भी निकली होंगी। चाहे बेसिक की ज्ञान गंगा हो और चाहे एडवांस की ज्ञान गंगा हो, आदि में भी निकली होगी तो बहुत बड़ी सेवा की होगी। क्या आदि में जो आत्मा ज्ञान में निकलती है उसके सबसे बड़ी सेवा क्या है? जो आत्मा शुरू शुरुआत में आती है उसकी सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? अपनी सेवा करना है या दूसरों की सेवा करना है? पहले अपनी पढ़ाई पढ़ना। उस अपनी पढ़ाई में जो सबसे आगे जाए, पहला नंबर ले, उस समय शुरुआत में वो आदि में गंगा, आदि में उसने भरा पूरा और अंत में फिर निकलती है, फिर तीखी जाती है। आदि में जो भरा है वो अंत में निकलता है। कोई यमुना का पार्ट है, आदि में भी नहीं भरा और अंत में भी उतना नहीं भरा। चली क्यों नहीं? बीच में जो पार्ट है सो वो पार्ट कैसे चलेगा? बीच में जो यमुना का पार्ट है, वो क्या नाम, सरस्वती का पार्ट है, जगदम्बा का पार्ट है, वो चलना है कि नहीं चलना है? ड्रामा मेनुदा हुआ है तो ये थोड़ा ही कह सकते हैं वो क्यों नहीं चली। जिस समय जो जिसका पार्ट है वो ही बजाएगा। जगदम्बा का पार्ट आदि में भी नहीं और अंत में भी नहीं, सरस्वती जगदम्बा का पार्ट आदि में भी नहीं और अंत में भी नहीं। आदि में भी प्रत्यक्ष नहीं होती और अंत में भी प्रत्यक्ष नहीं होती। और गंगा का पार्ट आदि में भी सबसे पहले, चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो, सबसे पहले वो गहराई से ज्ञान उठाती है। इसलिए बोला है कि सन्यासी लोग जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय होगी। ये कोई जरूरी थोड़े ही है कि सबका एक जैसा पार्ट हो। गहराई से उठाया, मजबूती से उठाया, फिर अंदर अहंकार आ गया सन्यासियों की तरह कि हमारा पार्ट गंगा का है, और गंगा बन के बैठ गई तो धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बीच में धक्का लग जाता है थोड़ा, वो अहंकार खत्म हो फिर ऊपर आ जाए। अहंकार सेवा नहीं करने देता। गंगा जब सागर में मिलती है तो पतित पावनी कही जाती है, औरों औरों से मिली हुई है, चाहे बेसिक नॉलेज वालों से चाहे एडवांस के गुरुओं से, तब तक वो पतित पावनी नहीं कही जा सकती। अपना अपना पार्ट है, सन्यासियों का अपना पार्ट है। गंगा जी के किनारे कौन चौकड़ी मार के बैठे रहते हैं? सन्यासी लोग। भीष्म पितामह जैसे सन्यासी किसकी औलाद थे? गंगा की औलाद थे। प्योरिटी में जरूर पावरफुल रहे होंगे। जो बाबा ने बोल दिया जब वो सन्यासी निकलेंगे तब ही तुम बच्चों की विजय होगी। हाँ दुनिया में भी जो बच्चे होते हैं वो हंसते हुए पैदा होते हैं या रोते हुए पैदा होते हैं? हैं? तो रोते रोते पैदा होते हैं, तो उसकी शूटिंग कहाँ हुई होगी?
यहाँ भी जो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे कितने जन्म लेने वाले होते हैं? हैं? 84 जन्म लेने वाले। क्या ऑलराउंड पार्टधारी जो भी बच्चे हैं जब ज्ञान में आते हैं तो रोते रोते पैदा होते हैं, बहुत दुख भोगना पड़ता है। बड़ा कहावना, अति दुख पावना। दुनिया में जो भी चलता है उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। नर्मदा नदी पश्चिम सागर में गिरती है, और ये दूसरी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो पूरब का सागर है। तो अंतर होगा ना, एक है अरब सागर और दूसरी है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में गंगा जैसी नदियां गिरती हैं। स्नान करने का महत्व पश्चिमी नदियों में है या पूरब की नदियों में है? गंगा में और यमुना में जितना महत्व है उतना और दूसरी नदियों में नहीं है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती जहाँ से शुरू होती है, जहाँ बहती है, वहाँ से दक्षिण भारत कहा जाता है। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और उत्तर भारत है भारत का स्वदेश। स्वदेशी नदियों में स्नान करने का महत्व है या विदेशी नदियों में स्नान करने का महत्व है? स्वदेशी नदियों में स्नान करने का महत्व है। उसका तो नाम ही है नर्मदा। क्या नर भी है तो क्या है? मादा भी है, शिखंडी का पार्ट हो गया। कौन? हाँ जी हाँ जी, नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरती है। अरब सागर माने इस्लाम धर्म का सागर, जो इस्लामी है उनका सहयोग देती है जाके, वहाँ मरती है जाके। ये बंगाल की खाड़ी में, ये तो बंगाली है, बंगाल फॉर ऑल, सारी दुनिया का है वो, सिर्फ पश्चिमी सभ्यता वालों का थोड़े ही है। और नर्मदा नदी कौन है? माना पार्ट क्लियर किया जाए। इशारा तो दे दिया, जो पश्चिमी महासागर में पश्चिमी सभ्यता में जाकर मिल जाए वो नर्मदा ताप्ती, जो पूर्वी सागर में जाकर के मिलती है वो पतित पावनी गंगा है, नदियां कही जाती है, या नदियां गंगा की सहयोगी कही जाती है। अभी पार्ट क्लियर होने वाले हैं। चलो।